परम संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि जिंदगी अब हो गई बारे ग्रां तेरे बगैर। प्यारे भाइयों और बहनों, सतगुरु की जिस्मानी जुदाई बड़ी दुखदाई होती है। मुझे भी इसका कुछ जाती तजुर्बा है। हुजूर ने जब चोला छोड़ा था तो मेरा दुनिया में रहने को दिल नहीं करता था, सिर्फ यही कि बाकी रही सही जिंदगी जंगलों में रहकर गुजार लेंगे, मगर हुजूर का हुक्म था, वापिस आना पड़ा। नथ खसम हत कीर्त धक्के देह, जहाँ दाना तहाँ खाना, नानका सच एह। चोला छोड़ने से 3 दिन पहले महाराज जी अपने कमरे में थे। दौलत राम उस वक्त महाराज जी के बदन को दबा रहा था। महाराज जी ने पूछा, राम स्वरूप कहाँ है? राम स्वरूप को रामायण पढ़ने का बहुत शौक था। राम स्वरूप हाजिर ना था। महाराज जी खुद ही बताने लग गए कि जब रामचंद्र 14 साल के वनवास के लिए गया तो भरत, जो छोटा भाई था, कैसे उसने राजपाट संभाला। भरत बड़े भाई राम से बहुत प्यार करता था। भरत ने राम के जूते गद्दी पर रखकर आप नीचे जमीन पर बैठकर कामकाज संभालता रहा 14 साल के अरसे तक, जब तक राम वापस नहीं आ गया। आगे फरमाया, आप क्या सोचते हो कि क्या होने वाला है? बहुत लोग आएंगे गद्दी संभालने के लिए। हालात जो भी होंगे वह मालिक ही जानता है। लोगों का काम है गुरु पर भरोसा बनाए रखे। दिल का हाल लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। प्यार की जुबान हमेशा गूंगी होती है। मेरे दिल में आप सब के लिए प्यार है। तुम खुदा के दोस्त हो, आपको प्रभु ने घर से निकाल दिया है, इसलिए आप वही प्रभु की जुबान बोले। वह कौन सी जुबान है तुम जानते हो? प्यार। एक दूसरे से प्यार करो। अगर तुम वही जुबान बोलोगे तो तुम सब खुदा के अपने घर पहुंच जाओगे। वही आपके पिता का घर है, वहां प्यार की जुबान बोली जाती है। यही वक्त है प्रभु के घर जाने का। अगर जाना चाहते हो, तुम्हें जहाज़ मिल चुका है, सीट रिजर्व हो चुकी है, अपना खुद का जहाज़ उड़ाओ। शब्द धुनि के पंख लगाकर अपने असल वतन को उड़ जाओ। फिर फरमाया कि कर्म धर्म किसी काम ना आएंगे। जिंदगी दुनिया में एक चौपड़ का खेल है। जिंदगी के खेल में बंधे पड़े हैं। समर्थ पुरुष अगर मिल जाए तो बंधन काट कर आज़ाद कर देता है और प्रभु की गोद में पहुंचा देता है। 3 जनवरी 1973 को सुबह के सत्संग में महाराज जी विराजमान थे, खामोश बैठे थे। फरमाया कि अपने घर जाना चाहते हो? एक बीबी कहने लगी कि महाराज जी, अगर महापुरुषों की दया हो तभी घर जा सकते हैं। महाराज जी ने फरमाया कि महापुरुष तो हुजूर के वक्त से आया हुआ है, कोई कहना नहीं मानता। आज बैठ जाओ 15 मिनट के लिए प्रभु के सामने, फैसला कर लो कि रहना है, देर ना करो, नहीं तो सस्सी खड़ी रहेगी और पुनु भाग जाएगा। 1954 का जिक्र है। ताई जी के पिता ने महाराज जी को नामदान के लिए अर्ज़ की। महाराज जी ने हाँ कर दी। महाराज जी के हाँ करने पर ताई जी की खुशी बढ़ गई। हुजूर बाबा सावन सिंह जी के वचन फल लाए। हुजूर ने फरमाया था कि मेरा जौशीन इसे नाम देगा। नाम लेने के कुछ माह बाद पिताजी सख्त बीमार पड़ गए। ताई जी के अर्ज करने पर महाराज जी ने आश्रम में रहने की इजाज़त दे दी। बीमारी की खास वजह थी, जिसकी तकलीफ को बहुत थी, मगर वह आंखें बंद करके लेटे रहते थे। दाएं हाथ और टांग में बहुत दर्द था।
डॉक्टर पूछते थे, आपको कोई तकलीफ है? तो कहते, बिल्कुल नहीं। फिर डॉक्टर ने पूछा, आप हाथ और टांगे ऊपर नीचे क्यों मारते हो? तो मरीज ने कहा कि हुजूर बाबा सावन सिंह जी और महाराज कृपाल सिंह जी दोनों सामने खड़े रहते हैं, मैं खुशी के मारे नाचता रहता हूँ, मुझे अब डिस्टर्ब ना करो। कितना खुश किस्मत था वह। एक दिन ताई जी ने फरमाया, महाराज जी को सुबह का नाश्ता वक्त से पहले दे दिया। एक दिन ताई जी ने महाराज जी को सुबह का नाश्ता वक्त से पहले दे दिया, क्योंकि उस रोज सत्संग था। खाना खाने के बाद महाराज जी ने इशारा कर दिया कि हम इसे 11 बजे ले जाएंगे। ताई जी रोने लगे। महाराज जी ने पूछा, आप क्यों रोती हो? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा पिता जाए? वो खुश किस्मत है, जिस तरह वह जा रहा है, तुम चाहती हो ना वह जाए, तो मैं वक्त को आगे कर देता हूँ। मगर एक बात याद रखना कि इसकी ज़िंदगी बड़े दुखों भरी गुजरेगी और तुम्हें ज़्यादा तकलीफ होगी। यह सुनकर ताई शांत हो गई और झुक कर महाराज जी के चरण पकड़ लिए। कहने लगी कि मैं जानती हूँ आप मेरे पिता के लिए कितना कुछ कर रहे हो, मैं नहीं चाहती कि यह और भुगतान करे। इसके बाद महाराज जी ने मरीज के सिर पर हाथ रखा और वह जिस्म छोड़ गया। एक योगी नाम लेवा था, भजन करने वाला था, लोगों में उसकी शोहरत फैल गई। एक गांव में एक विधवा का जवान बेटा मर गया। लोग लाश को योगी के पास ले आए कि अगर आपका गुरु पूरा है तो इसे जिंदा कर दो। योगी ने अंतर में महाराज जी से अर्ज की कि इसे जिंदा कर दो। महाराज जी ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो तो 5 नाम का सिमरन करके पानी के छींटे लड़के के चेहरे पर दो। ऐसा ही किया तो लड़के ने आंखें खोल ली। इसके बाद गांव के लोग इकट्ठे होकर योगी के साथ महाराज जी के पास देहली आश्रम में आ गए। योगी ने महाराज जी को सारी कहानी सुनाई। सुनते ही महाराज जी का चेहरा एकदम गुस्से में आ गया। योगी पर तरस भी आ रहा था, मगर महाराज जी शेर की तरह गरजे और योगी को कहा कि अभी निकल जाओ यहाँ से और कभी यहाँ ना आना। योगी देखता ही रह गया। महाराज जी फिर गरजे और फरमाया, मैंने कहा है अभी आश्रम से निकल जाओ। फरमाया कि मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, तुमने बड़ी लाइल्मी दिखाई है। लड़का जब मर ही गया था, यह लेने देने का हिसाब था, आप कौन होते हो उसको जिंदा करने वाले? आगे फिर फरमाया, तुम तरक्की करने वाले शागिर्द हो, तुम नहीं जानते कि जब तुमको नाम दिया था वह प्रभु ताकत अंतर में बैठ गई थी और जो मांगो मिलेगा। इसी वजह से गुरु शीश की तरक्की को रोक लेता है, जब तक कि शीश में इतनी समर्था नहीं आ जाती कि इस ताकत को समझने की क्या उसके अंतर में चल रहा है। थोड़ी सी तुम्हारी गलती ने प्रभु ताकत के काम में दखल अंदाजी की है। योगी ने माफ़ी मांगी। महाराज जी की आंखों में फिर तरस आ गया और फिर फरमाया कि तुम एक आदमी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सके, मेरा क्या हाल? मेरा एक एक सांस लेना मुश्किल हो रहा है, मैं दुनिया की मुसीबतें सिर पर लिए बैठा हूँ, मैं किसी का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता मगर बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं सब दुख दूर कर सकता हूँ मगर प्रभु के हुक्म के आगे सिर नीचा है, हम किसी के बस में नहीं हैं, हम ऊपर से भेजे हुए आते हैं, किसी दुनियादार के कहने से नहीं आते। जो गलत सोचते हैं उनको अपने गुरु पर भरोसा नहीं है। अगर किसी को पूछते हैं कि सेहत कैसी है, वह सिर्फ हुजूर के हुक्म से पूछते हैं, अपनी मर्जी से नहीं। वक्त अच्छा नहीं आ रहा, झूठ खत्म हो रहा है, सतयुग आ रहा है, दान करने की तैयारी रखो और करते रहो वरना मारे जाओगे। भला सोचो, भला करो, जो तुमने कल सूली पर चढ़ना है, क्या खबर हुजूर कांटा लगाकर बचा दे। गरीब जनता में बैठकर हुजूर बहुत दया करते हैं, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।
कौन ऐसा है जो हुजूर की याद में 1 लीटर आंसू बहाता हो? कौन यह चीज़ दे सकता है? मेरे सामने खड़ा कर दो सबको। जवानी आई और चली गई, इस जवानी से फ़ायदा उठा लो। यह बाहरी ठाट बाट किसी काम नहीं आएंगे। जो बचाने वाला है दातार, उसे हरदम याद रखो। ज़्यादा से ज़्यादा समय ऊपर रूहानी मंडलों में रहना सीखो। यह सबसे ऊंची दात है जो आप इसी इंसानी चोले में हासिल कर सकते हो। 24 घंटों में से 2-4 घंटे अपना काम कर लो तो हालत बदल जाएगी। क्यों जंजालों में फंसे रहे हो? सच्चे पिता परमात्मा को दिल में बसा लो। जागो, क्यों देर कर रहे हो? तेरी मंजिल दूर पड़ी है। सत्संग में आए और चले गए, क्या सीखा यहाँ? कम अज कम एक बात तो कर लो कि सब भाई बहनें उस प्रभु की याद में इकट्ठे बैठ जाया करो। यही हुजूर चाहते हैं। महाराज जी फरमाते हैं, मैंने संगत को बहुत दफ़ा कहा कि वक्त का ठीक इस्तेमाल कर लो, क्योंकि वक्त भागा जा रहा है। मैंने भीख भी मांगी, सिरदर्दी भी की कि भजन कर लो। ना किसी ने मेरे से पहले ना ही मेरे बाद इतनी सिरदर्दी आप से करेगा जितनी मैंने की है। अभी भी फ़ायदा उठा लो। आगे महाराज जी फरमाते हैं कि दुनिया को आग लगी हुई है, सारा संसार जल रहा है। अब और ज़्यादा यहाँ रहने को दिल नहीं करता। कितना अच्छा दिन था आज हुजूर की याद में समा जाने का। 17 अगस्त 1974 को फरमाया, आश्रम में बैठे थे अपने जिस्म को जिस्म की तरफ इशारा करके कि कपड़ा पुराना हो चुका है, अब यह ज़्यादा पहनने के काबिल नहीं रहा। 1971 में भी फैसला था जाने का, मगर संगत की अरदास से रहना पड़ा। जो रिकॉर्ड किसी के पास पड़ा है वह बाहर आना चाहिए, क्योंकि वक्त खतरनाक है। ताकि लोगों के काम आ सके और लोग बच सके। कलयुग खत्म हो रहा है, सतयुग आ रहा है। बहुत वाक्यात हैं जो किताबों में नहीं आ सके। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा।